सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन यानी कि तीन हिस्से, तीन इक्वल हिस्से ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट 4-1 एंड -2-3। इन पॉइंट के 4-2-3 को तीन पार्ट में डिवाइड करने वाले पॉइंटों को हमने फाइंड आउट करना है, जो इसको तीन पार्ट में डिवाइड करने हैं, तीन इक्वल पार्ट में। ये आपके ए और बी हैं। मान लीजिए ये पॉइंट पी और ये पॉइंट क्यू, ये दो पॉइंट हैं जो इस ए और बी को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट करते, तीन बराबर पार्ट इसके करते हैं। लेट पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए बी। ए बी के ट्राइसेक्शन के दो पॉइंट है पी और क्यू। जब हम पी को फाइंड आउट करेंगे, पी को या क्यू को ले लीजिए बेशक, अगर पी को फाइंड आउट करेंगे तो इधर कितना बचेगा आपका, ये वन है, ये वाला पार्ट एक हिस्सा है, उधर कितने हिस्से हैं, दो ही हैं, यानी रेशियो क्या हो जाएगी, 1:2। और जब आप Q को फाइंड आउट करेंगे तो इधर कितना 2 हो जाएगा रेशियो, उधर कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। यानी एक किस्म से एक ही न्यूमेरिकल के अंदर हमने दो करने हैं। एक बार तो आपने ए बी को 1:2 रेशियो में डिवाइड करना है और एक बार 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है। तो पहले 1:2 रेशियो वाले जब बात करते हैं उसके अंदर क्या देखिए, तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करते हैं। पी के कोऑर्डिनेट मान लीजिए पी एक्स वाई। फार्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार दोबारा से, क्या है आपका, अगर आप पी को फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देता हूँ, चलो क्या है आपका वो m1x2+m2x1 डिवाइड बाय m1+m2। और दूसरा जो y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा आपका, m1y2+m2y1 डिवाइडेड बाय m1+m2। ये आपका पॉइंट P आ जाएगा, ऐसे पॉइंट P। तो जब P को फाइंड आउट करेंगे, ऐसे क्यों का निकल जाएगा, ये फार्मूला लगेगा। P को फाइंड आउट करेंगे तो आपका यहाँ पे देखिए, अगर रेशियो 1:2 है, इट मीन्स m1 कितना आपका 1 और m2 कितना आपका 2 है। यहाँ लिखा जैसे ये आपका AP कितना है 1 और जो PB वो आपका कितना है 2 है, यानी m1 1 है और m2 कितना आपका 2 है। इसको फाइंड आउट करेंगे, पहले क्या लिखते हैं m1x2, m1 कितना आपका 1 और x2 आपका कितना है -2, प्लस m2x1, m2 कितना है 2 और x1 कितना आपका 4 अपॉन 1+2। ऐसे ही y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1y2, m1 कितना है 1 और y2 आपका कितना है -3, यानी कि 1:-3, प्लस m2 कितना है 2 और y1 कितना आपका -1 अपॉन 1+2। ये हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट। अब यहाँ से P के कोऑर्डिनेट देखिए, ये -2, 2 4 8 डिवाइडेड बाय 3 और 1:-3 का हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -2/3। तो P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 8 में से 2 जाएगा क्या रहेगा 6/3 और ये -5/3। यानी कि P के कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके 3×2=6 और -5/3। तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट तो हमने बता दिए, अब दूसरे के लिए बताएंगे। चलो मैं स्पीकर को दोबारा बना देता हूँ, वहाँ मिक्स नहीं होगा। ये आपका जैसे क्या था 4-1 था और ये आपका है -2 और -3। ये आपका पॉइंट P हमने फाइंड आउट कर लिया, क्यू को और फाइंड आउट करते हैं। अब जब क्यू को फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला पार्ट कितना रहेगा आपका 2 और ये वाला कितना रहेगा आपका 1, यानी m1 कितना आपका यहाँ पे 1 है, 2 है और m2 अब कितना हो गया आपका 1 हो गया। उस हिसाब से इसको निकाल देते हैं, आप इसको दिखाने की जरूरत है, दिखाओ दिखा दो 2:1 रेशियो इसकी, 2:1 यानी इधर 2 हिस्से हैं, 2 हिस्से हैं, इधर एक हिस्सा है। तो Q के कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे Q के, तो क्या m1 कितना है 2, x2 कितना है -2,
प्लस एम टू एक्स वन, एम टू कितना है 1, एक्स वन कितना है 4 डिवाइड बाय 2 प्लस 1। y कोड निकालेंगे तो m1 कितना है 2, y2 कितना है -3, फिर m2 1 और y1 कितना आपका -1 अपॉन 2 प्लस 1। तो क्या क्या बना आपका 2 जा -4 प्लस 4 डिवाइड बाय 3, 2 3 जा यहाँ प्लस था भी प्लस 2 3 जा -6 और ये आपका क्या है -1 और डिवाइड बाय आपका क्या है 3। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल आपका क्या हो जाएगा 0/3 और ये -7/3, या ये कह दें कि आपका क्यू इज इक्वल टू यानी क्यू जो पॉइंट है क्या बन जाएगा 0 और -7/3। और ये हमने बताने थे कि इसको ट्राई सेक्शन करने वाले दो पॉइंट आपने इसके फाइंड आउट करने थे, वो कर दिया हमने। तो इस ढंग से आपका ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट।